उसका वो कहाँ बताए। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन सावित्री सिंह आपके द्वारा यहाँ पे आयोजित स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और इसमें तमाम ज़िलों से आए हुए पदाधिकारी और जनता अपना इलाज यहाँ पे के लिए आई है, करवा रही है। आइए मैं देखता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह से मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आइए देखिए वो अपने संस्था के बारे में क्या बताती हैं। गुड नेम सावित्री सिंह, भारतीय किसान यूनियन सावित्री। ये आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसका उद्देश्य, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल निस्वार्थ उद्देश्य ये है कि दिव्यांग और मंद बुद्धि के जितने बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट में भी, उनका फ्री आप कास्ट इलाज हो, दवा हो। और ये कोरोना काल के पहले से चला आ रहा है, कोरोना की वजह से हम लोग 2.5 साल गैप हो गया। अब मेरा ये है कि इसके बाद हर चौथे महीना ये कैंप लगेगा, पहले भी लगता रहा है, और निःशुल्क दवा दी जाती है। ये हम लोग का उद्देश्य है कि संगठन पूरी मदद के और एक हर्फ संस्था है संयुक्त, उससे सहयोग से हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। आज का टारगेट कितना है, कितने के लोगों लाभार्थी होंगे? 450 मरीज थे जो सुबह से दवा ले रहे हैं और चले जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से कम हो गए हैं। लेकिन अगला टारगेट बता रहे हैं लोग कि आने वाले समय का 1.5 से 2 हज़ार के बीच में होगा। कितनी टीम डॉक्टरों की लगी हुई है फिलहाल? इस समय 45 टीम है और 150 डॉक्टरों का पैनल है अपने पास। मरीज बढ़ेगा तो डॉक्टर बढ़ जाएगा। और संस्था के बारे में कुछ और रोशनी डालिए आप। संस्था के बारे में यह है कि उजाले को उजाला दिखाना है, कहने के मतलब जो हमारे संगठन के लोग हैं एक फिल्टर लोग हैं, जो आज के परिवेश में हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे ना आलोचना करेंगे, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि जो चल रहा है संगठनों का नीतियाँ कुछ हमको नहीं पसंद आता है, लेकिन अपने नीति के बारे में ये कहेंगे कि सच के लिए आगे बढ़ चढ़ के लड़ना, और लड़ना ही नहीं लड़ करके अधिक रहना, अधिक रहना ही नहीं उसको मनवाना मेरा लक्ष्य है। ये शासन प्रशासन से मैं कहूँगी कि भाकियु सावित्री के लोगों को परेशान न करें, पुलिस द्वारा थोड़ी परेशानी हो रही है। पुलिस प्रशासन आपका साथ नहीं देता है? जी नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है कि वो देख लेता है, उठा ले जाओ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं गलत है तो उसके साथ गलत हो, अगर गलत नहीं है तो हम लोग, ये नहीं देता है कि वो देख लेता है, उठा ले जाओ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं गलत है तो उसके साथ गलत हो, अगर गलत नहीं है तो हम लोगों के साथ कोई भी प्रशासनिक दबाव होकर के जातिगत तरीके से संगठन के नेताओं के ऊपर ऐसे परेशान न किया जाए, ये मेरा पुलिस प्रशासन से अपील है, अनुरोध भी है। सरकार से क्या सहयोग मिलता है आपको? सरकार से किसी भी प्रकार के नहीं, नए संस्था इस कैंप में भी नहीं सहयोग मिलता है। हाँ ये जरूर कहेंगे कि बीसी साहब, इस बार हमारा ये 5,500 रुपया लगता था, उन्होंने हमेशा के लिए यहाँ स्थान को फ्री कर दिया। हर चौथे महीने जो 5,500 लगता था शुल्क के रूप में अब नहीं लगेगा। ये स्वास्थ्य शिविर के अलावा आपके और कार्यक्रम? हमारा स्वास्थ्य शिविर के अलावा नियोजित कार्यक्रम है, हम लोग करने वाले हैं, बैठक करेंगे और उम्मीद है कि फरवरी मार्च में बड़ा कार्यक्रम होगा। ये जाड़े आ रहे हैं, इसके लिए क्या आप जो है कुछ गरीबों के लिए कुछ करती हैं? भाई हमारे साथ गरीब ही जुड़े हैं, मैं प्रशासन से ये लेटर जरूर लिखूंगी कि जो कंबल वितरण होता है वो मेरे गरीबों में ही वितरण किया जाए, गरीब को ही दिया जाए, और हमारे संगठन के पदाधिकारियों से चंदा लगा के जो होगा वो हम लोग करते हैं या करते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा उद्देश्य है, सावित्री सिंह से बात हुई है और आने वाले टाइम में इनका बहुत बड़ा जो है योगदान रहेगा गरीबों के लिए, जनता के लिए, जो भी है अच्छे कार्यक्रम ये पेश करेंगी और इस समाज का उद्धार करने में इस भारतीय किसान यूनियन सावित्री का बड़ा बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भैया